नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है गेमिंग हेडफोन, जो बजट में आ जाए, क्योंकि जो लोग स्टार्ट करते हैं गेमिंग नया नया, उनके पास ज्यादा खर्चा करने के लिए पैसे होते नहीं है और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगाया है अमेजोन से, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी चाहिए। व्यूज आते हैं ना टेक वीडियो पे। ये इसके अंदर कुछ हमारे बिल तो फेंकते हैं इधर। तो ये हमारा रेड गियर का कॉस्मो 7.1। ये बजट हेडफोन्स में सबसे बेस्ट है आई गेस, क्योंकि इसका माइक जो है बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी देता है, और उसके बाद इसमें RGB लाइटिंग है, साउंड क्वालिटी बेटर है, और जो कुछ भी है, मतलब इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये आप दिख रहा है क्या, रीड कर सकते हैं क्या? हो जा भाई, नहीं दिख रहा भाई, कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर चुका हूं, बट स्टिल ये मैं आपके लिए एक बार फिर से करूंगा। सेकंड कैम पे चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड कैम, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉक्स बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं इसके। 7.1 वर्चुअल साउंड गेमिंग हेडसेट, फुल साइज ओवर ईयर हेडसेट डिजाइन, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गेमिंग के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। और ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, थोड़ा सा आपको पढ़ना अब दिख रही है। ई वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा वीडियो को ड्रैग भी करना है, 3 मिनट की वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो कुछ भी है इसमें, ये टूर्नामेंट एडिशन है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये सब मैंने पैक करने की कोशिश करी है वापस से वैसा ही, इसको बाद में देखते हैं, थोड़ा सा अंदर का मालटाल देख लेते हैं। तो इसके साथ हमारे पास एक ये स्टिकर है, साइड रखो, ये कैसेट आई है, और ये पता नहीं किसी यूज में आता है, इसको वापस डालते हैं। ये कैसेट आई है इसके साथ में, पता नहीं इसके अंदर क्या, चला के देखेंगे हम बाद में, मैंने अभी तक देखा नहीं है। और ये है यूजर मैनुअल, और ये कौन पढ़ता है आज के जनरेशन में, हेडफोन चलाने के लिए क्या यूजर मैनुअल चाहिए आपको, इसको भी अगर जरूरत पड़ी बाद में देख लेंगे। तो अब हमारा हेडफोन हम यहाँ पे खोल लेते हैं। ये हमारा हेडफोन काफी बड़ा है साइज में, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा, और जैसा कि आप देख सकते हैं मिडिल क्लास की तरह मैंने अभी तक इसकी रैपिंग भी नहीं उतारी है। एक्चुअली मैंने इसके वायर भी क्यों किया, खोल देता हूँ इसे। तो ये है इसकी केबल, मेरे को इसकी केबल क्वालिटी काफी पसंद आई है। एक्चुअली में ये बहुत मजबूत है, तो इजिली टूटेगी नहीं, काफी स्ट्रांग फाइबर से बनी हुई है। और उसके बाद है इसकी ये स्विचेस है यहाँ पे, ये शायद चालू करने के बाद देखेंगी, आपको अभी चालू करके दिखाऊंगा तब देख लेना, इसको इग्नोर करो अभी। और ये है हमारा हेडफोन जिसका ये माइक है, ये माइक बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और जब भी मतलब चालू करोगे आप इसकी RGB लाइट, तो इधर पे भी लाइट जलेगी, और ये माइक के ऊपर ये जो थोड़ा सा ब्लू कलर का पार्ट दिया ये भी जलेगा। और इसके बाद इसका ये जो ऊपर का पार्ट है ये मेटलिक है पूरा, तो टूटने में मतलब टूटेगा ही नहीं एक्चुअली में, टूटने में क्या, इसका ये ढांचा प्लास्टिक का है, कुशन्स बहुत सॉफ्ट हैं। और ये मेरे को इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है कि ऑटो एडजस्टेबल है, कि आप सिर में पहनेंगे और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा आपके सिर के हिसाब से। तो मेरे को काफी इसका लुक डिजाइन सब कुछ बहुत पसंद आया। एक्चुअली में बस ये थोड़ा सा हैवी है, तो ज्यादा देर तक अगर पहनते हैं तो सिर में थोड़ा सा दर्द टाइप होने लगता है, बट ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके ट्राई करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैंने मेरे कंप्यूटर को चालू कर लिया है, और मैं अब इसको कनेक्ट कर देता हूँ इससे, ताकि आप लाइटिंग वगैरह देख सको। ओके, स्टार्ट हो गया। तो ये इसके स्विचेस हैं, आप देख सकते हैं शायद ये ग्लो कर रही है, तो ये काम करता हूँ, रैप करता हूँ। तो आप जैसे कि इसकी स्विचेस देख सकते हैं, ये ग्लो करती हैं। ये है RGB की स्विच है, ये इसको दबाने से ये मन चालू हो रहा है, जैसा शायद आपको दिख रहा हो। ओके, ये दिख रहा है। ओके, तो इससे ये कंट्रोल होती है। और ये सेकेंड स्विच है माइक के लिए, तो इससे जो हमारा माइक है वो बंद या चालू हो जाता है। ऊपर के दो बटन है, ये वॉल्यूम के लिए, ये ऊपर वाली वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और ये वाली कम करने के लिए। मेरे को इसकी कुशन क्वालिटी बहुत पसंद आई, क्योंकि ये जो कुशन है ये बहुत सॉफ्ट है, तो ये सिर में गड़ते नहीं है पहनते टाइम। और एक सेकेंड में आपको पहन के दिखा देता हूँ।
ये जब पहनोगे आप तो आपके ईयर्स मतलब पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे, और काफ़ी नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाती है इसके अंदर। तो आप अगर गेमिंग या कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें साउंड बहुत कम आता है अंदर। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड भी सही से नहीं आ रहा है इसके अंदर। और ये माइक है हमारा RGB, एक सेकंड मैं ऑन कर देता हूँ। ये RGB चालू हो गई। आप नशे करने के बाद, भंड होने के बाद इसको देख के मजे कर सकते हैं। और ये काफ़ी इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर में चुभेगा नहीं आपको कभी भी। और बस थोड़ा सा हैवी है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके साथ। मैंने 2 दिन इसको ट्राई भी करके देख लिया एक्चुअली में, अच्छी बात है। तो मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको 2 दिन ट्राई किया, तो मुझे पता है कि ये कैसा है। तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, और एक्चुअली में प्राइस इसका बहुत सस्ता मिल गया। अभी सेल भी चल रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।